الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Today the chapter that we're going to learn is Aftermath of a Nuclear Disaster आज इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है Aftermath of a Nuclear Disaster Specifically we're going to learn about Adverbials of Degree خاص طور پہ ہم Adverbials of Degree کے بارے میں پڑھیں گے First Before we get to adverbials of degree, we have to understand what are adverbs. इससे पहले कि हम adverbials of degree की तरफ आएँ पहले ये समझ लेते हैं कि adverbs क्या होते हैं Adverbs are used for multiple reasons. One of which is to tell us something extra about an action. Adverbs का काम उनका इस्तेमाल मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होता है मुख्तलिफ reasons होते हैं मुख्तलिफ बातें होती हैं जिनके लिए adverbs को यूज़ किया जाता है उनमें से एक ये भी है कि जब आप किसी काम के बारे में किसी अमल के बारे में किसी एक्शन के बारे में किसी वर्क के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कोई एक्स्ट्रा बात बताना चाहते हैं तो आप एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं लेट्स लुक एट एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड इट बेटर तो एग्जांपल्स को देखते हैं और फिर इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं जैन स्लीप्स जैन सो जाता है एक एक्शन एक अमल एक काम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर यानी सोने के काम की तो जैन सो जाता है लेकिन मैं अगर जैन के सोने के बारे में उसके सोने के एक्शन उसके सोने के काम सोने के अमल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ तो मैं एक एडवर्ब यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा जैन स्लीप्स साउंडली ठीक है तो व्हेन आई से जैन स्लीप्स साउंडली आई एम गिविंग सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एक्शन ऑफ स्लीपिंग स्लीपिंग का जो एक्शन है इसके बारे में एक मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और वो ये है कि जैन सोता तो है लेकिन वो गहरी नींद सुकून की नींद सोता है ही स्लीप्स साउंडली लेट्स लुक एट द अदर एग्जाम्पल अहमद रन्स अहमद भागता है अगेन दिस इज़ अनदर एक्शन ये भी एक एक्शन है ये भी एक काम है भागने के काम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ बट इफ़ आई वॉन्ट टू गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एक्शन तो मैं कहूँगा एंड आई विल से अहमद रन्स स्लोली कि अहमद हल्के भागता है तो बिफोर दिस बिफोर एडिंग द एडवर्ब आई ओनली न्यू दैट अहमद रन्स आई डिड नॉट नो वेदर ही रन स्लोली वेदर ही रन क्विकली वेदर ही रन स्विफ्टली मुझे ये नहीं पता था कि अहमद तेज़ भागता है अहमद हल्के भागता है अहमद बड़ा सोच समझ के कैलकुलेटेड होकर भागता है मुझे कुछ नहीं पता था लेकिन एज सून एज आई सेड अहमद रन स्लोली लेकिन जैसे ही मैंने बोला अहमद हल्के भागता है तो आपको पता चल गया कि वो भागने का काम तो करता है लेकिन उस भागने के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि वो बहुत हल्के आराम से भागता है तो दीज आर एडवर्ब्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू टूवर्ड्स एडवर्बियल्स ऑफ डिग्री अब हम एडवर्बियल्स ऑफ डिग्री की तरफ आ जाते हैं कि एडवर्बियल्स ऑफ डिग्री होते क्या हैं वॉट आर दिस एडवर्बियल्स ऑफ डिग्री आर यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और How many times and with how much energy an action is performed? तो दो तरह से इसकी definition कर सकते हैं Let's make it easy और फिर हम इसको समझते हैं या तो adverbials of degree का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आप किसी action, किसी काम किसी अमल के बारे में वो काम कितनी intensity के साथ कितनी ज़ोर के साथ कितनी शिद्दत के साथ कितनी चाहत के साथ कितने वलवले के साथ जोश के साथ किया जा रहा है उसको बता सकें या फिर आप ये बता सकें कि वो काम कितनी दफ़ा कितनी मर्तबा कितनी बार और कितनी एनर्जी कितनी ताकत कितनी कुव्वत के साथ किया जा रहा है तो इन दोनों में से किसी एक काम के लिए एडवर्बियल्स ऑफ डिग्री को यूज़ किया जाता है लेट्स लुक एट एन एग्जांपल स्नेक इज़ एन एक्सट्रीमली डेंजरस एनिमल स्नेक एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जानवर है व्हाट डिड आई टेल यू जस्ट नाउ मैंने आपको एक्शन की उसके डेंजरस होने की उसके डेंजरस होने के अमल की इंटेंसिटी को एक्सप्लेन किया है कि हाउ डेंजरस इज स्नेक ठीक है व्हेनेवर यू आस्किंग हाउ यू आर आस्किंग अबाउट इंटेंसिटी यू आर आस्किंग कि ये डेंजरस तो है लेकिन कितना डेंजरस है हाउ डेंजरस इसकी डेंजरस होने की इंटेंसिटी क्या है शिद्दत क्या है इसके डेंजरस होने की क्या कम शिद्दत वाला डेंजरस है या बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला डेंजरस है तो नाउ यू नो कि स्नेक्स आर एक्सट्रीमली डेंजरस एक्सट्रीमली ओवर हियर इज द एडवर्बियल ऑफ डिग्री नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू एडवर्बियल्स ऑफ डिग्री एंड विल देन गो टुवर्ड्स देयर एग्जांपल्स पहले हम कुछ वर्ड्स देखेंगे जो एडवर्बियल्स ऑफ डिग्री के बारे में हैं उन एडवर्बियल्स ऑफ डिग्री को देखेंगे और फिर उनके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे पहले इनकी मीनिंग्स को समझेंगे तो नंबर वन इज नेवर एंड नेवर मीन्स नॉट इवन सिंगल टाइम 0% समथिंग दैट इज नेवर डन मीन्स समथिंग दैट इज It is not done even a single time. उसको एक दफ़ा भी नहीं किया गया होता उसको हम कहते हैं never. ठीक है Now we'll come to the examples so that you can understand it better. But first we will go through each word. तो never is when you don't do anything even a single time.
0% of the time you call it never. The next word is always. And always is the exact opposite of never. Always, never ka exact opposite hai. Never ek dafa bhi nahi kiya hota, always har dafa kiya hota hai. You're doing it 100% of the time. Theek hai? So that is always. Almost means nearly. Sometimes, yani aksar aukaat aap ye kaam karte hain ya kareeb kareeb hai ki aap ye kaam kar. Partially means almost half or less than a bit half. Theek hai? Aadha ya aadha se thoda sa kam is partially. Completely means full, 100%. You've completed your work, 100%. If I told you to write 5 pages, you've written all 5 pages, you have completely done your work. ठीक है, completely का मतलब होता है आपने काम को पूरा कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें. Hardly, hardly means almost nothing, or it means doing something लेकिन not a lot, just a little bit. Hardly का मतलब जब आप थोड़ा सा काम करें जो कि ना होने के बराबर ही हो, बिल्कुल नहीं हो. मैंने आपको 5 पेज दिए थे, आपने एक लाइन भी नहीं लिखी, दैट इज़ हार्डली. क्वाइट, क्वाइट मीन्स व्हेन यू डन समथिंग एंड यू डन अ लॉट ऑफ इट बट इट्स नॉट 100%. सो इट्स 80-90% आपने कोई काम किया हुआ है. तो मैंने आपको अगर 5 पेजेस किए थे तो आपने चार पेजेस कर लिए, या आपने 3.5 पेजेस कर लिए, तो दैट इज़ यू डन क्वाइट अ बिट ऑफ योर होमवर्क. आपने अपने होमवर्क का 80% कर लिया, बहुत सारा हिस्सा कर लिया, आप कम्प्लीटली नहीं है लेकिन बहुत सारा हिस्सा कर लिया. Extremely means around 100%. It means it is emphasis. It emphasizes that it emphasizes the work more than enough. So what it does is it is emphasizing. ये जोर डालता है, ये शिद्दत बताता है कि कोई काम कितनी शिद्दत के साथ किया गया, कितनी intensity के साथ किया गया. ठीक है, that is extremely. Now let's look at these example. The examples of these word one by one, in the same order. The first is never. What did I tell you? The meaning of never was something that is not even done a single time. 0% of the time you do this. ठीक है, वो काम जिसको आप जीरो दफ़ा करते हो, वी यूज़ फॉर दैट वर्क, फॉर दैट एक्शन नेवर. तो लेट्स लुक एट द एग्जांपल. ही नेवर रन्स फास्ट. व्हाट डज दिस टेलिंग यू? व्हाट इज ही टेलिंग यू? कि तेज़ भागने का जो काम है वो ये कभी नहीं करता. 0% ऑफ द टाइम, जीरो दफ़ा वो तेज़ भागेगा. तो ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू रन स्लोली. नाउ लेट्स लुक एट द अदर वर्ड, ऑलवेज. जुबैर इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ज़ुबैर हमेशा स्कूल लेट आता है. 100% ऑफ द टाइम ज़ुबैर स्कूल लेट आएगा. ऑलमोस्ट. अहमद ऑलमोस्ट फेल ऑफ दैट मोटरसाइकिल. अहमद मोटरसाइकिल से गिरने तो लगा लेकिन वो गिरा नहीं. तो ही वॉज अबाउट टू फॉल, ही हैड ऑलमोस्ट फेल ऑफ. वो 80% वो तकरीबन 50% के करीब वो फॉल ऑफ होने लगा था, वो गिरने लगा था, लेकिन समहाउ ही गॉट बैक अप, वो किसी तरह से वापस सीधा हो गया. पार्शली, हारिस पार्शली कम्प्लीटेड हिज पज़ल. हारिस ने अपना पज़ल पार्शली कम्प्लीट कर लिया, विच इज़ वॉट 50% या लेस देन 50, अ लिटिल लेस देन 50%. तो उसने आधा या आधे से थोड़ा सा कम अपना पज़ल कम्प्लीट कर लिया था. तो दैट इज़ पार्शली. कम्प्लीटली, नोमान कम्प्लीटली अग्रीज विद हिज पेरेंट्स. नोमान 100% अग्रीज विद हिज पेरेंट्स. ही अग्रीज विद एवरी थिंग हिज पेरेंट्स आर सेइंग. तो नाउ आई कैन से नोमान कम्प्लीटली अग्रीज विद हिज पेरेंट्स. ठीक है, कि नोमान अपने पेरेंट्स से कम्प्लीटली अग्री करता है. ही अग्रीज विद देम 100%. द नेक्स्ट वर्ड इज हार्डली. वलीद हार्डली टॉक्स टू एनीवन. वलीद किसी से बहुत ही कम बात करता है, वो बहुत ही कभी कभार बात करेगा, 10% ऑफ द टाइम और इवन लेस ही टॉक्स टू एनीवन. वो 10% बात करता है, अगर किसी से करता भी है तो, उन्हें तो वो करता ही नहीं है. 90% ऑफ हिज क्लास ही डजंट टॉक टू देम. 90% ऑफ अपनी क्लास से वो बात ही नहीं करता. क्वाइट. ज़ुहेब इज quite active during Nazra period. So Zuhaib is very active when Nazra period is going on. Zuhaib, Nazra period ke andar, jab Nazra ka period hota hai, toh he's very active, he's learning, he's helping other people, he's helping his classmate, he's quite active. Extremely. Abdullah is extremely serious about his studies. Abdullah apni studies ko lekar, apni padhai ko lekar, wo shadeed had tak, bahut zyada serious hai. Sanjeeda hai wo, he wants to study. So I'm going to say Abdullah is extremely serious about his studies. Let's recap a little bit. Adverbs are words that are used. Adverbs are used to talk, to give extra information about an action. Kisi bhi action ke baare mein aapne extra information deni hai, to we use adverbs. Adverbials of degree are those words which are used to talk about the intensity of an action. Ki kisi kaam ko kitni shiddat se kiya ja raha hai ye bayan karne ke liye.
और इट्स फ्रीक्वेंसी, वो काम कितनी दफ़ा किया जा रहा है, कितनी मर्तबा किया जा रहा है और कितनी एनर्जी के साथ, कितनी ताकत के साथ किया जा रहा है, ये बताने के लिए एडवर्बियल्स ऑफ डिग्री यूज़ किए जाते हैं. द वर्ड्स दैट वी लर्न द वर्ड्स दैट वी लुक्ड एट टुडे द एडवर्बियल्स ऑफ डिग्री दैट वी लुक्ड एट टुडे वर नेवर ऑलवेज ऑलमोस्ट पार्शली कम्प्लीटली हार्डली क्वाइट एंड एक्सट्रीमली. दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.